पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर धमाकों की गूंज से दहल गया है। अभी मुरादाबाद में फायरिंग और बम के धमाके की गूंज थमी भी नहीं थी कि मुजफ्फरनगर जनपद में नकाबपोश 6 बदमाशों ने देर रात्रि गांव प्रधान व बीजेपी नेता के घर पर 33 राउंड फायरिंग कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने सड़क पर खुलेआम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और क्षेत्र में दहशत मचाने के बाद फरार हो गए। मामला भाजपा नेता के घर का था तो एसएसपी ने बिना देर किए ताना फिरबारी अखिलेश कुमार को तत्काल निलंबित कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं गांव प्रधान के घर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग की लाइव रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के थाना भोपा के सिकंदरपुर गांव का है, जहां बीजेपी के नेता व गांव प्रधान के ससुर मेनपाल गुर्जर के आवास पर बृहस्पतिवार की रात बाइक पर सवार होकर आए 6 नकाबपोश बदमाशों ने सड़क पर खड़े होकर एक के बाद एक प्रधान के आवास पर 33 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए। गांव प्रधान के घर पर हुई फायरिंग की घटना जैसे ही पुलिस के अधिकारियों को पता लगी तो दिन निकलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी संजीव सुमन ने भोपा थाना फिरबारी निरीक्षक अखिलेश कुमार को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, पूर्व प्रधान व बीजेपी नेता मेनपाल गुर्जर की गाँव के ही दूसरे पक्ष से रंजिश चल रही है, जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि उसी रंजिश के चलते प्रधान के घर पर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सभी तत्वों को जोड़कर हर पहलू पर मामले की जांच बारीकी से कर रही है। सर, आपका नाम? मैनपाल सिंह। क्या घटना घटी है आपकी? हम तो सो रहे थे रात को, 12-2 बजे घटना, 2 बजे आए। हमारा अंदेशा बस पहले ही था, हमें कहीं से सूचना मिली थी, हमने पुलिस को सूचना कर दी पहले ही शाम के टाइम कि हमारे साथ इस तरह की घटना घट सकती है। तो पुलिस और दो सिपाही यहाँ उन्होंने छोड़ भी रखे थे। लगभग 2 बजे करीब 11 बदमाश मिलना, ये आधा दर्जन से अधिक बदमाश है और गोली बजानी शुरू कर दी। आवाज़ शुरू का हम भी उठे, उठते मान लिया, हम भी छत पर पहुँचे, देखा जो गांव वाले उठ गए, उठने के बाद में मान लिया फायरिंग करते। कितनी फायरिंग हुई? कितनी फायरिंग हुई? 35 पकते तो मतलब पुलिस वालों के मिले यहाँ से, अपनी जान हम भी अपना ऊपर छत पर पहुंच गए। बदमाशों कोई शिनाख्त वगैरह? गांव के ही, 3 गांव के, 3 अज्ञात। क्या चाहते हैं भाई? ये तो मारने खतर है, तो ज्यादा सीधी गोली चला रखी थोड़े वो, तो बस गांव वाले उठ गए, उस वजह से वाला सो शराब है, उठ गए जब पब्लिक दिखी उन्हें जब आ गए। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो पुलिस से कार्रवाई चाहते हैं, उचित कार्रवाई हो, हमारी जान को मारने खतरा महसूस चल रही जा। कल देर रात में भोपा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गाँव में एक प्रधान के घर पे फायरिंग की घटना घटित हुई है। इसकी संपूर्ण जांच की जा रही है, अभी वो पंजीकृत कर लिया गया है, विस्तृत विवेचना की जा रही है, 3 टीमें गठित की गई हैं, दोषियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अतिशीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया 33 राउंड जो है कट्टे से फायर किया। इस संपूर्ण प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उन सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी।